Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केस से। 7 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 10 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 95। कोविड डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। वीकेंड लॉकडाउन आज सुबह से शुरू हो चुका है, जहां पर सैटरडे और संडे एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है कि वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इस पर कई सारे बिजनेसेस और HKCCI ने अपनी खुले तौर पर नाराजगी जताई है और कहा है कि बिजनेस काफी डिस्टर्ब होगा और कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हम बिजनेस बंद नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि पुलिस किस तरह से इस पर एक्शन लेती है या फिर बिजनेसेस वालों को क्या मौका मिलता है, लेकिन पुलिस तो इसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है। एक और बखबर हम ला रहे हैं जहां पर हम बात करेंगे कि किस तरह से रॉडी शीटर्स की परेड हुई आज कमिश्नर ऑफिस पर। डॉक्टर वाईएस रवि कुमार जी जो कि कमिश्नर हैं पुलिस के, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि सभी रॉडी शीटर्स को कि अगर आप इलेक्शन टाइम पर कुछ गड़बड़ी करते हैं तो फिर मामले बहुत ही गंभीर होंगे। सबकी परेड भी हुई और उन्हें क्लियर वार्निंग भी दी गई। और कुछ दूसरे काम में लगे ना इलेक्शन होने तक, उसके बाद भी तो वो उसका अंजाम ही अलग होगा। ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಭಾಗಿಯಾಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आज जब आप ये बुलेटिन देख रहे हो तो CET एग्जामिनेशन होने वाले हैं। 2 लाख के करीब बच्चे यहां पर एग्जाम देने वाले हैं ऑलमोस्ट 444 एग्जाम सेंटर्स पर। ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सभी वोकेशनल कोर्सेज जहां पर इंजीनियरिंग भी शामिल है। 530 सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं और अगस्त 28 और 29 को एग्जामिनेशन होने वाले हैं। CN अश्वथ नारायण जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस लिए गए हैं सभी जगहों पर और खास करके कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट होगा होरनाडू। एक और बड़ी खबर ला रहे हैं जहां पर हम बात करें वेल नोन फिलंथ्रोपिस्ट जियाउल्लाह शरीफ ने 200 करोड़ डोनेट किया है और सेटअप किया है शरीफ फाउंडेशन कर्नाटक के अंदर। जी हाँ, शरीफ फाउंडेशन बिल्कुल फोर्ड फाउंडेशन की तरह वो बनाना चाह रहे हैं जहां पर वो कई सारे चैरिटी वर्क्स करेंगे कर्नाटका के अंदर। जी सलाम की एक लोकल उर्दू टीवी चैनल पर उन्होंने यह बात बताई कि चैरिटी जिसके अंदर गरीब लोगों की मदद, मेडिकल सर्विसेज और स्कॉलरशिप दिए जाएगी कई सारे स्टूडेंट्स को। जियाउल्लाह शरीफ साहब के इस स्टेप को गोहैश सल्यूट करता है। उसके बाद हम वैक्सीनेशन के रिलेटेड आपको खबर ला रहे हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं जाइडस कैडिला की। जी हां, ये वैक्सीन जो 12 से 18 साल के बच्चों को ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा है एमरजेंसी यूजर्स पर। जी हां, यूनियन गवर्नमेंट अब एक्सपेक्ट कर रही है कि जाइडस कैडिला जो निडल फ्री कोविड 19 वैक्सीन है जो जायकोवी डी की तरफ से आएगी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। अब देखना ये होगा कि ये किससे दी जाए, क्या वो बच्चे जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज हैं या फिर सबके लिए अवेलेबल रहेगी, ये देखना होगा। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार।
आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कोई चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KVN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड बाय आचार्य पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें, GoHash Networks पे।